अगर वो घर वापसी आना चाहते हैं तो इनका सहयोग होगा। मेरे सब छोटे भाई है, मैंने इनको बड़ा पुचकारा, इनके क्षेत्रों में जितने काम हुए हैं सब मेरे क्षेत्र मेरे समय में हुई है, कभी मेरे सामने आकर के खड़े होकर के कहते हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जितने पुराने हैं विधायक गण, बल्कि यहाँ के हों या कहीं के हों, मैंने किसी को कभी ना नहीं कहा, और जिस समय आए उस समय इनका काम किया। अब वो मेरे पास हरे हरे नोट देने को नहीं थे, तो उस समय कोई बल्द और कोई बकरियाँ चली गई, तो अब वो बात है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ये मेरे अपराधी नहीं है, मेरी तरफ से समा है, ये उत्तराखंड और लोकतंत्र का जो अपराध किया है उसके लिए उत्तराखंड को तो कहें कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। क्या आपसे माफी मांगना सर, जैसे आप जो आपने सर मेरे अपराधी है ही नहीं, मुझसे काहे का माफी मांगना, मैं तो निमित्त मात्र था, मैं उस समय मुख्यमंत्री बनाया था, मैंने एन के एन प्रकार ने 3 साल अपनी सरकार बना करके रखी, जितना मेरा जितना मुझको कार्यकाल मिला था मैंने सरकार बचाई, क्योंकि मुख्यमंत्री का पहला दायित्व होता है सरकार को 5 साल चलाना, दूसरा दायित्व होता है पार्टी को फिर से जिताना, उसमें मैं आपका आशीर्वाद ग्रहण नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया। सर चर्चाएं जैसी चल रही है कि हरीश रावत वीटो लग रहा है, जिस हिसाब से आने में जो वो बातें चल रही है जो सियासी गलियारों, उसको लेकर आप क्या कहना? क्या क्या जैसे हरीश रावत जी आने वालों को जरा रोक रहे हैं कहना, जो वीटो कह सकते हैं निषेध कर रहे हैं, तो क्या उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपका सियासी गलियारों में चल रही है? आप चाहो तो मैं तो हरी झंडी लेकर के चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेकिन जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, हम अपने कार्यकर्ता की कीमत पर नहीं करेंगे, जहां हमारा कार्यकर्ता जीतने की स्थिति में है वहां चुनाव को लेकर। आज उत्तराखंड में कांग्रेस यदि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिनको लग रहा है कि भाई यही पार्टी है जिताऊ, तो उन लोगों को ये स्थिति 5 साल में किसने बनाई? हमारे कार्यकर्ताओं ने बनाई, तो हम उस कार्यकर्ता के हित की भी रक्षा करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गोदियाल जी ने उस कार्यकर्ता के हित की रक्षा की बात करी। जनता को चुनाव में आप क्या नया करेंगे? गोदियाल जी से पूछो, हम उत्तराखंड को एक नया 21वीं सदी का एक सबल उत्तराखंड बनाए। थैंक यू।